भागलपुर में एक बार फिर से बम ब्लास्ट की घटना सामने आई है, जिससे धमाके की जगह से करीब 1 किलोमीटर का इलाका गूंज उठा। दरअसल घटना भागलपुर मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के काजीचक मोहल्ले का है, जहां बम ब्लास्ट होने से एक बार फिर से लोगों को काजीचक में हुए भीषण बम ब्लास्ट की याद ताज़ा हो गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर अब तक सामने नहीं आई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मुजाहिदपुर पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। इधर घटना को लेकर आसपास के लोगों का कहना है कि यहां अक्सर इस तरह की घटना सामने आती रहती है, लेकिन इस बार धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई पड़ी, जिससे लोगों के मन में भय का माहौल बन गया है। बता दें कि कुछ माह पूर्व ही भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत काजपली चक में बम ब्लास्ट होने से एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और उस मामले में कार्रवाई के नाम पर इलाके के थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं इस ब्लास्ट से एक मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि धमाके को लेकर यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि जोरदार ब्लास्ट की आवाज असल में बम की थी या सिलेंडर विस्फोट हुआ था। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि आवाज बम ब्लास्ट की थी, जबकि मामले को लेकर पुलिस कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सांसद पिपरा बिजवार से रतवा नदी को पार करने के लिए खुद ही नाव का पतवार थामे नजर आ रहे हैं। दरअसल सांसद प्रदीप कुमार सिंह पलासी के छपनिया गांव में एक शोक संतप्त परिवार से मिलने जा रहे थे, जहां 17 अगस्त को एक दंपत्ति की मौत सड़क हादसे में हो गई थी। बताया जा रहा है कि नाविक नाव के पास मौजूद नहीं था, लेकिन सांसद के आने की सूचना मिलते ही नाविक नाव खोलकर जैसे ही पहुंचा तो वहां सांसद ने बांस का पतवार खुद ही थाम लिया और नाव लेकर सुरक्षित नदी पार पहुंच गए। हालांकि इस दौरान नाविक ने कई बार सांसद से नाव की पतवार मांगी, लेकिन सांसद ने अपने समर्थक और अंगरक्षक के साथ खुद ही नाव को पार कराया। वहीं इसको लेकर सांसद ने कहा कि उनका भी बचपन नदी के किनारे गांव में बीता है और बचपन में ही उन्होंने नाव की पतवार थामना सीख लिया, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ गांव की अलहरता और बालपन छीन सा गया, इसलिए शारीरिक परिश्रम के लिए आज उन्होंने खुद ही नाव को नदी के पार पहुंचाया। शेखपुरा पटेल चौक के समीप रविवार को एक झोला छाप डॉक्टर द्वारा संचालित नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। घटना शेखपुरा सदर अस्पताल के समीप की है, जहां डॉक्टर की लापरवाही से महिला की हुई मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल करते हुए रोड जाम कर दिया। वहीं आक्रोशित लोगों ने नर्सिंग होम और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए महिला की मौत के लिए जिम्मेदार डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने और मुआवजे की मांग की। मृतक महिला की पहचान कमल बीघा गांव निवासी पप्पू राम की पत्नी रिंकू देवी के रूप में हुई है। इधर घटना को लेकर घर वालों का कहना है कि प्रसव के लिए महिला को अंशु क्लिनिक में भर्ती कराया गया था, लेकिन क्लिनिक में भर्ती कराने के बाद उन लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं दी गई, जबकि अचानक दोपहर में महिला की मौत की खबर दी गई। वहीं आक्रोशित लोगों द्वारा सड़क जाम करने के बाद आवागमन ठप हो गया, जबकि लोगों का कहना है कि शेखपुरा सदर अस्पताल के कर्मियों के मिली भगत से इस क्लिनिक में डिलीवरी के लिए महिलाओं को भेजा जाता है, जहां मोटी रकम लेकर प्रसव कराया जाता है। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि शेखपुरा नगर सहित बरबीघा नगर में भी इस तरह के फर्जी नर्सिंग होम संचालित किए जा रहे हैं और कुछ दिन पूर्व बरबीघा में भी फर्जी नर्सिंग होम में महिला की मौत होने पर काफी बवाल हुआ था, जिसके बाद प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी, लेकिन मामले में किसी की गिरफ्तारी या कार्यवाही नहीं हुई। भागलपुर के अलीगंज कटघर के समीप अज्ञात व्यक्ति द्वारा इशाकचक थाना क्षेत्र के बरहपुरा निवासी आवात अली खान के पुत्र टोटो चालक नौशाद अली खान से मोबाइल और नकद रुपए छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं इसकी जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए भागलपुर पुलिस ने मामले में अलीगंज ऊपरी गंगटी निवासी अशोक महतो के पुत्र नीरज कुमार युगल यादव के पुत्र सोनू यादव, स्वर्गीय रूपन यादव के पुत्र शत्रुघ्न कुमार को मोबाइल और 700 रुपये के साथ गिरफ्तार कर लिया है। 9 बजे लगभग एक ऑटो चालक के साथ में लूट की घटना हुई थी, जिसमें उसका मोबाइल छीन लिया गया था और उसके कुछ जितने पास के पैसे थे वो छीन लिए गए थे। इसमें हम त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने एक आदमी को तभी पकड़ लिया गया, उसके अलावा जितने बाकी 2 लोग थे उन्हें कुछ ही घंटे में पकड़ लिया गया और जितना मोबाइल जो था और उसके अलावा जो पैसे वो भी बरामद कर लिए गए। इन लोगों का आपराधिक इतिहास जो है वो खंगाला जा रहा है और तो अगर जैसे ही आएगा तो हम सूचित करेंगे। कितने रुपए थे सर? कुल 700 रुपए थे जो ऑटो चालक के पास।
कौन कौन है सर? तीन लोगों का नाम आया है सामने। एक का नाम है नीरज कुमार, दूसरे का नाम है सोनू यादव, दोनों ही अलीगंज गुमटी के हैं। कटिहार बरौनी रेलखंड के नवगछिया रेलवे स्टेशन पश्चिम केविन के पास रेल पटरी पार करने के क्रम में बाजार से एनएच 31 की ओर जा रही एक अज्ञात रेलगाड़ी की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। वहीं इसको लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के बाद करीब आधे घंटे तक युवती रेल पटरी के पास करहारती रही, जिसके बाद एक युवक द्वारा लड़की को रेल पटरी से उठाकर टोटो की मदद से नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में चिकित्सकों ने लड़की को मृत घोषित कर दिया। इधर मौके पर पहुंची नवगछिया जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसको लेकर थानाध्यक्ष प्रमोद सिंह ने बताया कि लड़की के शव के शिनाख्त की कोशिश जारी है और सोशल मीडिया में मृत लड़की की तस्वीर को वायरल कर दिया गया है, जबकि पहचान के लिए आसपास के थानों में भी वायरलेस कर दिया गया है। वहीं इसके बाद शव के शिनाख्त कर ली गई, जिसमें मृतका की पहचान हरित थाना क्षेत्र के तुलसीपुर गांव निवासी सुनील मंडल की 20 वर्षीय पुत्री चांदनी कुमारी के रूप में हुई है। इधर परिजनों ने बताया कि लड़की नवगछिया बाजार आई थी और घर जाते वक्त रेलवे पटरी पार करने के क्रम में किसी अज्ञात ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे कि उसकी मौत हो गई। क्या नाम हुआ आपका? विकास मंडल। कौन थी आपकी? मेरी चचेरी बहन है। क्या नाम था? चांदनी कुमारी। कहाँ आई थी? नवगछिया बाजार करने के लिए आई थी। घर कहाँ? तुलसीपुर, वार्ड नंबर 12। उम्र कितना है? उम्र 19 साल। पिता का नाम? सुनील मंडल। माता का नाम? उषा देवी। घटना कैसे हुआ? बाजार करने के लिए आई थी, कैसे हुई तो मुझको पता नहीं, मैं तो फेसबुक पे मुझे मालूम हुआ था। हम लोग सब परिवार यहाँ रेलवे थाने आए। आपको पता कैसे चला? फेसबुक पे बताया। फेसबुक पे देखे हम लोग, फिकर देखे तो हम देखे कि मैं बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। सरकार श्रम संसाधन विभाग के निर्देश पर अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर भागलपुर की ओर से बेरोजगार युवक युवतियों के लिए सोमवार को नियोजनालय परिसर में एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रोडक्शन ट्रेनी पद के लिए 300 रिक्तियों और ट्रेनी पद के लिए 100 रिक्तियां अधिसूचित की गई, जबकि कैंप में कुल प्राप्त 184 आवेदन में से 140 आवेदकों का अंतिम रूप से चयन किया गया। वहीं इसको लेकर विभाग के अधिकारी ने कहा कि आगे भी इस तरह का रोजगार
रोजगार शिविर प्रत्येक माह में लगाया जाएगा, जिससे निजी क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले युवक युवती को अवसर मिल सके। साथ ही कहा कि 20 से 35 वर्ष तक के सभी इच्छुक 12वीं पास अभ्यर्थी NCS पोर्टल पर जल्दी अपना निबंधन करा ले, जिससे आगामी नियोजन शिविर उन्हें लाभ मिल सके। मौके पर नियोजन पदाधिकारी रोहित आनंद, DSE विजय आनंद, भागलपुर ITI के प्राचार्य और DRCC KYP के कई कर्मी मौजूद रहे। और प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर के तत्वावधान में आज एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें क्वेश्चन और अथर एनर्जी करीब 400 रिक्तियां अधिसूचित की गई थी उनके द्वारा, जिसमें 184 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे और इंटरव्यू के माध्यम से इन सारे उम्मीदवारों का इनको शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसमें अंततः 140 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया जॉब के लिए। और मैं बताना चाहता हूं कि और प्रादेशिक नियोजनालय के माध्यम से प्रत्येक महीने में 4 नियोजन कैंप का आयोजन करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी निजी क्षेत्र में नियोजन के अवसर प्रदान चाहते हैं कि उनको ऐसा अवसर मिले, तो वे NCS पोर्टल पर अपना निबंधन अवश्य करा लें, ताकि आने वाले अपॉर्चुनिटी के बारे में उनको जब भी ससमय सूचना दी जाएगी ये अवसर उनको प्राप्त हो। सुंदरवती महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से सोमवार को एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय था भागलपुर जिले में स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर रमन सिन्हा, इतिहासकार शिवशंकर सिंह परिजात, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर अनुराधा प्रसाद, डॉक्टर हिमांशु शेखर और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद स्वागत गान की प्रस्तुति म्यूजिक डिपार्टमेंट के छात्र छात्राओं ने दी, जबकि स्वागत भाषण देते हुए प्राचार्य डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भागलपुर के गुमनाम सेनानियों के इतिहास को सामने लाने के लिए इतिहासकारों को लेखन कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय फलक पर बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक स्तर पर कार्य को बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रिंसिपल ने अमृत महोत्सव कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि वीर सेनानियों के योगदान पर चर्चा होने से युवाओं में सकारात्मक संदेश जाएगा और वह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होंगे। वहीं SP कॉलेज दुमका से आए इतिहास के विभाग अध्यक्ष ने भागलपुर के स्वतंत्रता सेनानियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि शिवशंकर सिंह परिजात ने बांका जिले के खड़हारा निवासी पटना सचिवालय में शहीद हुए सतेज झा, शहीद महेंद्र गो, परशुराम सिंह, पशुपति नारायण प्रकाश, गणेश्वर प्रसाद सिंह, धनेश्वर प्रसाद सिंह, कृत्यानंद सिंह, राजबल्लभ सिंह सहित अनेक सेनानियों के योगदानों के विस्तार से जानकारी दी। मन संचालन NSS के स्वयं सेवक अपराजिता और सामवी ने किया, जबकि कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अनुराधा प्रसाद ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर डॉक्टर हिमांशु समेत के शिक्षक कर्मी सुधार्थी और काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। हम इतिहास की ओर लौटे हैं, क्योंकि मूल SM कॉलेज सुंदरवती महिला कॉलेज का जो प्रांगण है, जो यही प्रांगण है, वो सब बाद में विस्तार किया गया है। एक तरह से हम इतिहास की ओर लौट रहे हैं, इतिहास को देख रहे हैं और उस स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे। तो आपको जानकारी दूं कि जब स्वतंत्र नहीं हुए थे, झारखंड भी पुराना बंगाल का एक भाग था, बाद में बिहार बना, बिहार से बाद में झारखंड बना। हम पुराने बिहार को लेकर चल रहे हैं, झारखंड के हमारे छोटे भाई डॉक्टर संजीव कुमार, जो आपके भागलपुर जिले के निवासी हैं, और सुनकर अच्छा लगेगा कि SM कॉलेज की विभागाध्यक्ष रही, जो PG की विभागाध्यक्ष थी। आज SM कॉलेज में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका थीम है भागलपुर जिले में स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान। क्योंकि हम जैसा जानते हैं कि देश में आज़ादी की लड़ाई की पहली बिगुल या फिर जन विद्रोह या अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की शुरुआत भागलपुर के अंग क्षेत्रों से हुई। जैसा कि पढ़ते हैं कि तिलका मांझी ने सर्वप्रथम यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ लगभग 70 के आसपास 1770 के दशक में उन्होंने यहाँ के जो पहले अंग्रेज
कलेक्टर थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनको जो है अपने तीर निकले तीर से उनको घायल किए और जो है उस जन आंदोलन का नेतृत्व करते हुए, बगावत करते हुए पूरे अंग क्षेत्रों में अंग्रेजों को जो है नाको चने चबा दिए थे।